राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई उनका तेल खरीदे, ये हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम तो हमसे तो दुनिया डर रही है, हम तो दुनिया को भगाते हैं आगे आगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में वो बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि साहब आप भारत को क्या बोलते हो रशियन तेल के लिए, तो उन्होंने नहीं जी ऐसा है, भारत तो तेल ले रहा था, अच्छा है ना, हाउ एक्चुअली वो पूरा हमारे एक प्लान के मुताबिक भारत ले रहा था। तभी एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा हो गया इस रिपोर्ट को, मैंने पढ़ा है 2-3-4 दफा, लेकिन बहुत ही अजीब से सवाल खड़े हो गए हैं कि एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पन्नू पे सवाल पूछने पे यूएसए ने बोला कि जी हम तो पूरी तरह से सैटिस्फाइड है जिस तरह भारत अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से सैटिस्फाइड है तो इनका जो पप्पू है कनाडा वो क्या कर रहा है? ये फर्स्ट डिग्री मर्डर है, ये आप फर्स्ट डिग्री मर्डर, इंडिया टुडे, दोबारा कोट कर रहा हूं 19 स्लाइड, बड़ा मुश्किल है, डीप रूटेड है। ये कोई ऐसा कोई डिक्टेटर आए या इमरान खान जैसा बंदा आए जो कि समझे कि ये सारी रियासत मदीना की जो बात करता है उसको समझाए कि ये रियासत मदीना का ये मतलब नहीं है कि हम 1400 साल पहले जा रहे हैं। हम लोग हंसे क्योंकि ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि यूएसए की तरफ से काफी प्रेशर आया था भारत की तरफ कि भैया आप रशिया का तेल मत खरीदो। गारसेटी ने भारत अमेरिका के रिश्तों को मॉडर्न रोमांटिक रिलेशनशिप जैसा बताया। उन्होंने कहा कि ये कहा जा सकता है कि पहले हम कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में थे और अब हम डेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बड़े आराम से इलेक्शन जीत रहे हैं और वो बड़े आराम से माहौल अपने हक में चीजें टर्न कर रहे हैं। अमेरिका हैज टू मेक स्टेटमेंट विद सॉलिड एविडेंस इन व्हिच आई पर्सनली हैवंट सीन मायसेल्फ। नाउ इफ दे हैव इट आई थिंक दे शुड एक्चुअली गिव दैट इंफॉर्मेशन टू इंडियन गवर्नमेंट। हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। Referring to a relationship that might have bumps along the road, this would be potentially the first big fight, right, in a relationship. And so far, knock on wood, I would say the administration is satisfied with the accountability that we've demanded on this. I've got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories, like actually they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज अमेरिका फिर भारत के घुटनों पर आ गया। जो अमेरिका भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था वही अमेरिका अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। अब अचानक अमेरिका भारत की हाँ में हाँ मिलाने लगा। इसका कारण है रशिया। आज से कुछ दिन पहले रशिया ने एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये खुलासा किया था कि अमेरिका भारत के इलेक्शन के दौरान भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसके साथ ही खालिस्तान के मामले पर रशिया ने भारत का समर्थन किया था। इन्हीं सबको देख अमेरिका सदमे में है क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं था कि रशिया खालिस्तान के मामले पर भारत का समर्थन करेगा। लेकिन अमेरिका भूल गया कि भारत पाकिस्तान नहीं है जो भारत के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले और भारत के इलेक्शन को मैनिपुलेट करे जैसे वो पाकिस्तान में करता है। रशिया के स्टेटमेंट के बाद ही अमेरिका को महसूस हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी गलती को सुधारने के लिए अमेरिका ने अपने ही बातों से यू टर्न ले लिया। अमेरिकन राजपूत एरिक गारसेटी ने कहा कि बाइडेन प्रशासन पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत के जवाबदेही से संतुष्ट है। एरिक गारसेटी का ये बयान ऐसे वक्त पे सामने आया जब हाल ही में रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगा रहा है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। अब गेम थोड़ी आगे चली जब रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब अमेरिका आप कर क्या रहे हो, आप भारत को समझते नहीं हो और ये जो पन्नू पुन्नू नुन्नू मुन्नू चुन्नू का आपने जो ये मर्डर चार्ज लगा रहे हो भारत के ऊपर, ये सबको बेवकूफी है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहे हो। अब ये कुछ बैक एंड पे गेम तो चल रही है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन मेक आउट। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया अमेरिका की तरफ से थोड़े से तेवर बदलने शुरू हो गए, लेकिन तेवर कैसे बदले ये हमको दिखा उनके स्टेट डिपार्टमेंट के एड्रेस से। जब उनका फेवरेट बांग्लादेशी जो जमात का एक जर्नलिस्ट है और एक उनका फेवरेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो सवाल पूछते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट प्रीटी मच साइड से ना चुपके से निकल जाता है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा हो। सो दैट टेल्स यू थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर था। दूसरा चीज क्या हुआ कि साहब अभी ये भारत ने स्टेटमेंट, रशिया ने स्टेटमेंट तो दे दिया भारत के साथ में कि साहब आप ये जो कर रहे हो भारत के साथ ठीक नहीं है। इसके बाद एम्बेसडर एरिक गारसेटी जो इंडिया के एम्बेसडर है, यूएस के एम्बेसडर है, इंडिया में रह रहे हैं, वो गए काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ये चीज याद करिएगा, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस एक डीप स्टेट का हैंडल है जहां से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से सेट की जाती है और ये पुराने डीप स्टेट के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है।
काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में वो बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि साहब आप भारत को क्या बोलते हो रशियन तेल के लिए, तो उन्होंने नहीं जी ऐसा है भारत तो तेल ले रहा था अच्छा है ना, हाउ एक्चुअली वो पूरा हमारे एक प्लान के मुताबिक भारत ले रहा था, तभी यू नो दुनिया में तेल की प्राइसेस इतनी नहीं बढ़ी क्योंकि भारत और हमारा एक प्लान था। तो इसके ऊपर तो मतलब लोग हंसे क्योंकि ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि यूएसए की तरफ से काफी प्रेशर आया था भारत की तरफ कि भैया आप रशिया का तेल मत खरीदो। यहां तक तो ये भी स्टेटमेंट्स आए थे कि भाई यू शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, एंड उनके डेप्यूटी एनएसए ने भारत में आके बोला था भैया आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। आज यही यूएसए घूम के बोलता है कि नहीं नहीं जी ये तो सब बड़ा एक प्लान था। लेकिन इसके बाद भी काफी सारे सवाल भारत के बारे में पूछे गए एरिक गार्सेटी को, वहां पर हर जगह ये लोग नहीं नहीं जी भारत तो बहुत अच्छा है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है, उनके इलेक्शंस बड़े वाइब्रेंट हैं, अगले 10 साल में भारत विल बिकम इवन अ मोर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देन व्हाट इट इज टुडे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पन्नू पे सवाल पूछने पे यूएसए ने बोला कि जी हम तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है जिस तरह भारत अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है तो इनका जो पप्पू है कनाडा वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखती है कि यूएसए मेन स्ट्रीम से मेन स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटना चाह रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई भारत अभी गुस्सा हो रहा है, तो कनाडा से करा रहा है, ठीक है यार कनाडा से गुस्सा हो गया, कनाडा वैसे भी यूजलेस कंट्री है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन हम थोड़ा बैक ऑफ करते हैं यार क्योंकि मोदी साहब वापस आने के बाद मोदी साहब से जरा बात बूत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो यार चक्के पक्के हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। रशिया की तरफ से देखते हैं, रशिया बोलता है यार चाइना मेरे को दे नहीं रहा, चाइना की फटी पड़ी है इस टाइम पे, अमेरिका जब भी जाता है बोलता है भैया मैं तेरे को सैंक्शन करूंगा, रशिया की हेल्प करना बंद कर। पाकिस्तान के सारे जो इकोनॉमिक मॉडल है उसके ऊपर क्वेश्चन कर रही है क्योंकि वो नया लोन दे रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो इंडिया के अंदर जाके तो 100 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सिर्फ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। IMF कह रहा है कि नहीं आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। अब बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज, फिर वो कहेंगे जी कुछ ऐसा करें जिससे अच्छी सी गुड न्यूज आ जाए। ये गुड न्यूज कैसे आएगी? अब IMF का जो है वो आ रहा है पाकिस्तान डेलीगेशन, अब हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत पॉलिटिकल पार्टीज को डंडे मार के, क्योंकि जो अपोजिशन में है उनको डंडे मार के चुप कराना चाहते हैं। अपोजिशन पार्टीज कहती हैं यही तो मौका है, आपको पता है इमरान खान साहब की पार्टी ने तो IMF में लेटर लिख दिया, उन्होंने कहा सर खुदा का वास्ता पाकिस्तान को लोन न दें। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा है, कभी पाकिस्तान में ये लेटर नहीं लिखे गए IMF को कि भजन क्यों हो रहे हैं। अब वो उनको जब लेटर जाते हैं वो जब लेटर वो देखते हैं, देखें वो उस लेटर को, और वो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो हम इसको कुछ नहीं, हम ऑन ही नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखें आप एक घर में लोन लेना हो ना किसी ने, तो दो भाई हो, जमीन सांझी हो या कारोबार सांझा हो, एक भाई के मैंने लोन लेना है दूसरा भाई के मैंने नहीं लोन लेना, तो कारोबारी बंदा कभी लोन नहीं देगा। जो लोन देने वाला है वो इसलिए लोन नहीं देगा भाई, उसको यह क्या, अगर मैंने लोन दे दिया तो ये कल तो लड़ाई हो गई, ये मुझे कोर्ट कचहरी में ले गए, मेरे कहीं पैसा ना पहुंचे। तो हमसे तो दुनिया डर रही है, हम तो दुनिया को भगाते हैं आगे आगे। जैसा कि आपने देख लिया, ये वही अमेरिका है जिसने अपनी गलती आज तक कभी नहीं मानी है हिस्ट्री में। इसी के साथ ही जब एक जर्नलिस्ट ने अमेरिका के राजपूत से पूछा कि आप इंडिया पर आरोप लगाते थे कि इंडिया रशियन ऑयल परचेस कर रहा है, वहां पर तो अमेरिका ने अलग टाइप का ही यूटर्न ले लिया और कहा इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, ये हमने ही तो इंडिया से कहा था कि आप रशिया से ऑयल ले, ये हमारा ही प्लान था कि इंडिया रशियन से ऑयल ले ताकि ऑयल का प्राइस बैलेंस बना रहे। ये वही अमेरिका है जब भारत ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया था तो अमेरिका ने बोला था कि इसका खामियाजा भारत को भुगतना होगा। वही पूरी वेस्टर्न मीडिया भारत पर दबाव बना रही थी कि भारत रशियन ऑयल ना खरीदे। उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पूरे वेस्टर्न मीडिया का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर
दिया था। आज अमेरिका की हालत देख पता लगता है कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। इन्हीं सब को देख अपने पड़ोसी देश कनाडा, जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, उसको भी लात मार भारत के हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया है। जब तक भारत और रशिया साथ में है, पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।